हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बहादुर भारद्वाज। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टप्पर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दुधार वहां कैसे लोग रहते हैं। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारी संस्कृति पिछड़ रही है। तो चलिए मैं वो जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ मेरा जो है खुद का एक टप्पर हुआ करता था। तो दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे एक मेरा भी खुद का ये टप्पर घर हुआ करता था, जो आप बगल में देख रहे हैं, ये मेरे चाचा जी का। तो हमारा भी यहाँ जो हुआ करता था, ये हमारे सभी भाइयों का, हमारे जो दादा परदादा थे उनके खुद का, हम यही रहा करते थे। लेकिन मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ लोग रहा नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ से लोग कूच कर चुके हैं निचले हिस्सों में, जो आजकल, क्योंकि दुनिया जो है एडवांस हो चुकी है, आजकल के जो औलाद है वो कमाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये जो घर होते हैं ये बेसिकली बहुत दूर होते हैं निचले घरों से, इसलिए लोग आना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति जो है दिन प्रतिदिन जो है बिछड़ती जा रही है, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप लोग अपनी संस्कृति से लगाव रखें और अपनी संस्कृति को भूलें ना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी याद रख सके। तो गाइस, अब मैं पहुंच चुका अपने चाचा के टप्पर में, जो मैंने आपको बताया था कि बगल में जो है चाचा जी के टप्पर है वहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, चाचा जी से, कि पिछड़ी जी जो हमारी पिछड़ती संस्कृति है उनके बारे में उनका क्या विचार है। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। तो गाइस, ये है मेरे चाचा जी, श्रीमान प्रहलाद जी इनका नाम है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि जो हमारी संस्कृति आजकल पिछड़ती जा रही है, लोग इन टप्परों में, इन घरों में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है। तो चलिए बातचीत करते हैं। चाचा के आला ठीक है? ठीक है, आला। अच्छा अच्छा, तो ये टप्पर खाली खाली लग रहा है? खाली पल लग रहा है, 15-18 भी ठार गोर ने हुंदी है। हां, गोर ना पैर गोर के देना। अबे डोर कर दे, घर डोर घर घर बढ़ रहे अंदर। तो ये तुसी किने लगोंदे, तो सके लेते तो है, बाकी तो टप्पर कोई आए नहीं। ओए रे, बत्तर हुंदा है सब आए। तो बड़े हैरानी करे गाला, बड़े मुश्किल लुआ दे तेरी निकले न साहब न कमवे जिमी जावे खेले को, तेरी निकले न साहब न कमवे जिमी जावे खेले को, बिल्कुल रे है ना, बेटा घर क्लोर कर दी नहीं। तो चाचा, तुम तो क्या विचार है कि आगू वाले औलाद जो ये टप्पर टप्पर संभालना चाहिए कि ना? बड़े मुश्किल न संभालना चाहिए ना, पक्का सही था संभाल रही रहा नहीं है। अच्छा, तुम तो कहते नहीं जो कि मैसेज है, तो क्या बोलना चाहते हैं आगू इन वाले औलाद की, तो है ये कम कर रहा संभाला कि ना? हां, तो बोलो करते संभाला संभाला संभाल दे रहा था इन वाला टाइम, जो तो बड़ा माड़ा बना, बड़ा माड़ा बड़ा है ना, बिल्कुल है, लॉकडाउन लग रहा है ना। हां जी, हां जी, लॉकडाउन लग रहा है, तो कह रहे बस सब अनपढ़, बिल्कुल गरीब बात है, कुदाड़ा कुदाड़ा पहले इंटी ना खोल भाई, हुंदी पानी कर रहे हो, रोण का हुंदी टपरे लग रही। हां, 29000 गोर लेटा जुड़ी हुंदी सेरे। अच्छा, 29000 गोर आजकल हेले तो कोई खींच कर राज नहीं, बस गाय तो लंदे दुलाई दे ना बड़ा है। तो आजकल तो ए दी दिन कोटर लगे लाना, मानो कोट काट को कोट लगे लाना, खिंदा लगे लेना, देखा आपने क्या इनके विचार है कि बहुत ही दुख होता है कि हमारे लोग जो हैं इन घरों को भूल जा रहे हैं, इनके टप्परों को भूल जा रहे हैं। खासकर यहाँ जो खेती बाड़ी होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खेती बाड़ी होती है अगर हम मेहनत करें तो। इनका, चाचा जी का कहना यही था कि जो हमारी औलाद है उनको हमारा यही मैसेज है कि लोग मेहनत करें, इन खेती बाड़ी इन खेतों में काम करें, इन टप्परों पर इन घरों को संभालें, भेड़ बकरियों को संभालें, अपनी संस्कृति को बचाएं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो बनाने का मकसद कि हम जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं उसको संभाल के रखें, संजोए रखें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे चाचा जी के विचार। अब मैं खुद के अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन नौजवान यंग यूथ है गद्दी कल्चर से रिलेटेड, और जो पहाड़ी जितने भी हैं, चाहे संस्कृति कोई भी हो, लेकिन उनको अपनी संस्कृति से लगाव होना बहुत जरूरी है, और उनको अपनी संस्कृति संजोए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी सभ्यता है हमारे बुजुर्गों की देन है, खासकर उनको संभालना हम जैसी युवाओं का काम है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि दोस्तों, अपने जो बेसिक चीजें हैं हमारी सभ्यता गद्दी संस्कृति है उसको संजोए रखें, और जो पुरानी संस्कृति है, धरोहर है हमारी बुजुर्गों के दिन, उसको हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी ये एक मैसेज हो कि हमारे बुजुर्गों ने अच्छा कुछ हमारे लिए किया है। आहा। आहा।
क्या बताऊं दोस्तों, कहां से शुरू करूं और क्या कहूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो आपको पुरला हिस्सा देख रहे हैं, ये जितनी भी जगह थी पहले चरवाहों की हुआ करती थी। हम भी खुद यहाँ पे पशु चराया करते थे, लेकिन बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी आवाजें लगाई हैं, कोई भी यहाँ सुनने का नाम नहीं ले रहा है। पहले क्या हुआ करता था, जब हम एक सीटी तक मारते थे या एक लफ्ज मुंह से जब बोलते थे तो ये दूर तक ऊपर तक लोगों को सुनाई देता था और वो पहचान लेते थे कि कौन है और क्या बोल रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, एक पशु तक नहीं, एक चिड़िया तक देखने को नहीं मिल रही है। तो ये है हमारी पिछड़ती हुई संस्कृति। तो दोस्तों बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति से लगाव होना चाहिए। जो जितनी ये जगह खाली दिख रही है आज तक भरी होनी चाहिए थी। तो दोस्तों बहुत दुख हो रहा है आज ये सब देखकर, मुझे परेशान हूँ मैं आज कुछ कहने के लायक नहीं। तो दोस्तों ये है हमारी सभ्यता, कितना अच्छा लग रहा है जो नेचुरल चीज़ हमें वाटर सोर्स देखने को मिल रहा है। तो आजकल क्या हुआ करता है, हर जो भी चीज़ है वो होगी आर्टिफिशियल जो है, पाइप के जरिए घरों में पानी आता है। पहले क्या हुआ करता था, आप देख सकते हैं झर 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 करके पानी निकला करता था नालों से और वहीं से हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पानी भरा करते थे और पिया करते थे। तो दोस्तों संस्कृति से जुड़ा एक और चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो आप दोस्तों यहाँ से वहाँ तक लंबी वॉल देख रहे हैं, इसको गद्दी भाषा की बात करें तो वैसे तो हम बोलते हैं बाँ, लेकिन निचले जो हिस्से हैं पहाड़ी एरिए हैं या निचले जो हिस्से हैं जैसे कांगड़ा चंबा उन्ना उनमें बोलते हैं इसको बोबड़ी, पानी की बोबड़ी होती है। ये जो लंबी आपको दिख रही है, लंबी इसलिए है क्योंकि जो पहले यहाँ पे पशु हुआ करते थे वो कम से कम भी एक ही इसलिए एरिए में है, लगभग 50 के करीब जो है वो पशु हुआ करते थे और यहाँ पानी पिया करते थे एक साथ। तो दोस्तों ये भी अभी ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह भर चुकी है मिट्टी से और इसमें जो पानी है वो साइड से गुजर रहा है। तो ये चीज़ें जो है हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान देना भी कैसे है दोस्तों, अगर यहाँ किसी ने आना ही नहीं है, पशुओं ने पानी पीना ही नहीं है, तो फिर ये ऐसा ही ये हाल होगा। तो चलिए एक और टप्पर है जिसमें अभी कुछ लोग रहते हैं, उस अंदर हम जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है टप्पर और ये है मेरी मासी जी। तो आप अंदर का भी आप देख सकते हैं, मासी के बड़े वो हाँ बहुत झड़े गया बड़े। तो दोस्तों अभी जो है शाम का मौसम हो चुका है और मुझे लग रही है सर्दी, इसलिए मैं थोड़ा हाथ वगैरह गर्म कर लेता हूँ। और ये है मेरी मासी जी, मेरी रियल मासी हैं, और इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है माहौल टप्पर में। मौसी किन लग रहा टप्पर खराब आते हैं और प्रोग्राम दनी कोई तो खेल रे बंदा से खाना आते करे तो सीधा डर लग देते और घड़ी ने करा वाले दाना हाना कौन है मस्त घड़ी ने। अच्छा अच्छा खाने के बड़ा हुआ तो बुझी दस बजे लगे ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बनाया है मासी ने साग जिसको घोट के बनाया जाता है और साइड में है रोटी ये। तो दोस्तों मन तो कर रहा है, जो खुशबू मुझे आ रही है वो आ रही है नेचुरल चीज साग की, तो मेरा कर रहा है कि एक रोटी खाई ही ली जाए। तो दोस्तों अभी हम मासी से लेते हैं एक चपाती और देखते हैं कैसा टेस्ट है, मासी दे वाला रोटी। तो दोस्तों जो पहाड़ों में खाने का तरीका होता है, रोटी को खाने का तरीका होता है, हम तो ज्यादातर हाथ में लेके खाते हैं। तो देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट सब्जी बनाई है मासी ने। तो दोस्तों जो नेचुरल चीजें होती है उसका कुछ आनंद ही अलग होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं खा रहा हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट है, सच में बहुत ही पहले बारी मुझे फीलिंग आ रही है। दोस्तों आप भी जरूर आए कभी हमारे टप्पर में, हम तो आपको भी खिलवाएंगे ये साग और ये